बुद्धिरे माही एही दुई युवक 1.5 लाख टंका नकली नोट बैंक रे जमा कले भाबिले आमे बेसी चालाक परिणाम शेषरे हेले गिरफ जाल नोट को बैंक रे जमा करबा को जाय गिरफ हेले एही एमबी 79 रो दुई अभियुक्त सुरजित मंडल ओ सुखचंद मंडल सुखमा एसपी सलभ सिन्हांकर कहिबा अनुजाई दिनांक 23 जनवरी को स्टेट बैंक कोंटा में कुछ नकली नोट जमा किए गए थे जिसको कोंटा बैंक से कुछ लोगों को दिया गया था। तो उन लोगों ने जब इस नोट को लिया तो उनको पता चला कि नोट नकली है, उन्होंने बैंक में शिकायत की। बैंक ने भी फिर छानबीन की तो पता चला कि नकली नोटों का जो 1.5 लाख का रकम है वो नकली नोटों के ज़रिए उनके पास जमा किया गया। तो उन लोगों ने फिर पुलिस में कोंटा पुलिस में शिकायत दर्ज की। शिकायत पर कोंटा थाने में FIR किया गया धारा 489 के तहत। और उसके बाद फिर जो कोंटा की टीम है उन्होंने तफ्तीश चालू की। तफ्तीश करने पर बैंक को ही बैंक के रिकॉर्ड्स और CCTV के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको खंगाला गया। उससे जो जमा करने के जो जो कस्टमर्स ने उस दिन बैंक में डिपॉजिट किया था उनको ट्रेस आउट किया गया। उनसे पूछताछ करके जो सोर्स था रकम का वो पता किया गया। तो पता चला कि मलकानगिरी ज़िले के MV 79 गाँव के रहने वाले सुरजीत पंडल, उन्होंने ये जो अमाउंट है वो कोंटा के एक व्यापारी को दिया था और उस व्यापारी ने अनजाने में ये अमाउंट लेकर के बैंक में जमा किया था। सुरजीत मंडल से जब पूछताछ की गई और उससे जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसे पता था कि ये नकली नोट है और ये नकली नोट उसे सुखचंद मंडल जो कि वहीं का रहने वाला है उसके थ्रू प्राप्त हुआ था। और ये लोग कमीशन के बेसिस पे नकली नोट का मलकानगिरी में भी और सुकमा ज़िले में भी हमेशा लेना देना लेन देन करते थे। उसकी निशानदेही पे सुखचंद मंडल को पकड़ा गया है और दोनों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करके आज मलकानगिरी रू त्रिलोचन दास की रिपोर्ट PTV न्यूज।